friends, welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about how to calculate charge on any peptide sequence. Okay, so let's discuss about the charge on any peptide sequence. अगर आपने मेरा पहले वीडियो टाइट्रेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा चार्ज कैलकुलेट करने में. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको ये क्वेश्चंस, आपको ये कॉन्सेप्ट शायद डाउटफुल हो सकता है. ठीक है, तो बात करता हूँ मैं, आप ये कॉन्सेप्ट रिमेम्बर करिएगा कि अगर पी एस थ्री की बात होती है, अगर पी एस थ्री की बात की जाए तो पी एस थ्री पे बहुत ज़्यादा एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन होता है. ठीक है, तो जब एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो तो क्या होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स सी ओ ओ एच एन एन एच थ्री प्लस, ठीक है, ये सारे प्रोटोनेटेड फॉर्म में होते हैं, चाहे आर ग्रुप हो या प्राइमरी कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप, सारे के सारे ग्रुप्स प्रोटोनेटेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि COOH के फॉर्म में होगा और अमीन ग्रुप NH3 प्लस के फॉर्म में होगा. तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटिंग बेसिकली ग्रुप होता है वो अमीन ग्रुप होता है प्राइमरी, और अमीन ग्रुप होता है आर ग्रुप का. ठीक है, और अगर PS7 की बात की जाए, PS7 की बात की जाए तो प्राइमरी ग्रुप प्रोटोन डोनेट करता है, COO- यहाँ पे करेगा, NH3 प्लस करेगा. ठीक है, इस फॉर्म में होगा क्योंकि ये होता है बेस और ये प्रोटोन डोनेट करता है pH 9 के आसपास. ठीक है, और अगर आर ग्रुप की बात की जाए, आर ग्रुप जैसे कि एसिडिक अमीनो एसिड्स में होते हैं, स्पार्टेट या ग्लूटामेट की बात की जाए, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ आर ग्रुप जो होता है सिर्फ एसिडिक अमीनो एसिड का ही प्रोटोन डोनेट करता है एट pH 7. बाकी जो आर ग्रुप होता है, चाहे सिस्टीन हो, टायरोसिन हो और बेसिक अमीनो एसिड्स हो, उनके आर ग्रुप प्रोटोन डोनेट नहीं करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, COO- सिर्फ प्रोटोन डोनेट करेगा, ये ग्रुप एज इट इज होते हैं. अगर पीएच 11 की बात की जाए, पीएच 11 पे क्या होता है कि एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन बहुत ही कम हो जाता है. ठीक है, अगर एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन बहुत ही कम हो गया तो सारे के सारे जो ग्रुप होते हैं वो प्रोटोन डोनेट कर देते हैं. COO इस आयनिक फॉर्म में होगा, NH3 प्लस जो अभी तक ऐसे फॉर्म में था ये भी प्रोटोन डोनेट करके NH2 फॉर्म में आ जाएगा. R ग्रुप की बात की जाए तो COO- होगा, NH2 हो जाएगा, यहाँ पे NH3 प्लस प्रोटोन डोनेट करके इस फॉर्म में आ जाएगा, और SH प्रोटोन डोनेट करके S- फॉर्म में आ जाएगा. तो ये है आयंस का फॉर्म जब PS3 पे होता है, ये है जब PS7 पे होता है, और ये है PH11 पे. अगर आपको ये आयंस के चार्जेस क्लियर नहीं हो रहे तो आप टाइट्रेशन का वीडियो जरूर देख लीजिए. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको ये पता है कि किस पे कौन सा चार्ज है, ठीक है, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे किसी भी पेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है, मैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि पेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है. सो लेट्स सी द स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन एनी पेप्टाइड सिक्वेंस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, मार्क द एन एंड सी टर्मिनल. ओके, मार्क द एन एंड सी टर्मिनल टू द पेप्टाइड. ओके, एंड द सेकेंड स्टेप इज इग्नोर द डाइप्रोटिक अमीनो एसिड, बिकॉज इन डाइप्रोटिक अमीनो एसिड देयर इज टू ग्रुप्स, प्राइमरी अमीन ग्रुप एंड प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, विच इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. सो इन द कैलकुलेशन ऑफ चार्जेस, बेसिकली इन द कैलकुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन पेप्टाइड सीक्वेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डाइप्रोटिक अमीनो एसिड. ओके, थर्ड स्टेप इज राइट द साइड ग्रुप ऑफ ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड. Write the side group of all triprotic amino acid. जितने भी triprotic amino acid है उनके side group को आप लिख लीजिए. And the fourth step is consider the pH. That is what the pH is. pH क्या है? उसके according क्या करना है? Change the group according to it. जैसा कि मैंने अभी पहले बताया. As I told you कि pH 3 पे क्या क्या groups होंगे, pH 7 पे क्या क्या चेंजेस होंगे एंड pH 11 पे क्या क्या होंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, उन ग्रुप्स को मॉडिफाई करना है, COOH होगा या COO- होगा, ये उनके अकॉर्डिंग चेंज करना है. एंड द कैलकुलेट द चार्ज, दिस इज द बेसिक स्टेप्स टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन पेप्टाइड सीक्वेंस. ओके, लेट सी द स्टेप्स, हाउ टू फॉलो दीज स्टेप्स टू कैलकुलेट द चार्ज. देखते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं चार्ज कैलकुलेशन में. लेट्स सी हियर टू एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज ग्लाइसिन प्रोलिन स्पार्टेट ग्लूटामेट लाइसिन एंड मेथियोनिन. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, फॉलो दो स्टेप्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. ठीक है,
कि फर्स्ट स्टेप इज मार्क द एन एंड सी टर्मिनल. दिस इज द सी टर्मिनल एंड दिस इज एन टर्मिनल. ओके, दिस इज एन टर्मिनल एंड दिस इज सी टर्मिनल. द सेकेंड स्टेप इज इग्नोर द डाइप्रोटिक अमीनो एसिड. व्हाट इज द डाइप्रोटिक अमीनो एसिड? ग्लाइसिन. आई हैव टोल्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो दैट कि आपको ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक प्लस सिस्टीन एंड टायरोसिन. ठीक है, इतने ही ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड्स होते हैं. इनके अलावा जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे डाइप्रोटिक अमीनो एसिड है. तो आपको क्या करना है कि इग्नोर ऑल द डाइप्रोटिक अमीनो एसिड, इग्नोर कर दीजिए. ठीक है, ये सारे के सारे डाइप्रोटिक अमीनो एसिड है. देन क्या करना है कि आपको सारे के सारे अमीनो एसिड जो कि ट्राइप्रोटिक है उनके क्या साइड ग्रुप को लिखना है. एस्पार्टेट का साइड ग्रुप क्या होता है? COOH. इसका COOH, लाइसिन NH3 प्लस. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? कंसीडर द पीएच. पीएच क्या है? जस्ट सपोज हमें पीएच 11 पे कैलकुलेट करना है. तो इस पीएच पे क्या मैंने बताया था? COO माइनस और NH2 होगा. ठीक है, अब ये कंडीशन फुलफिल होता है, इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए. चेंज करिए, ये किसमें कन्वर्ट होगा? NH2 में. एन टर्मिनल किसमें होगा? NH2 में. ये COO माइनस में होगा साइड ग्रुप. ये किसमें होगा? ये भी COO माइनस में होगा. ये किसमें कन्वर्ट होगा? NH2 में. और ये सी टर्मिनल किसमें कन्वर्ट होगा? COO माइनस में. ठीक है, तो आप पीएच 11 पे बताइए कितने चार्ज हो रहे हैं? एक निगेटिव चार्ज यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितने हुए? टोटल -3. ठीक है, तो एक जो कंसिडरेशन होता है कि अगर पीएच लेस देन 7 है तो नेट चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है, अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो नेट चार्ज हमेशा निगेटिव आएगा. ठीक है, तो ये कंसिडरेशन होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस होती है कि अगर पीएच लेस देन 7 है, दैट मींस कि प्रोटॉन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो उस वक्त जो नेट चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा. और पीएच कंसेंट्रेशन जब 7 से ज्यादा होता है तो एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से नेट चार्ज जो होगा वो निगेटिव होगा. ठीक है, तो ये था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं थ्रू स्टेप्स. ठीक है, अगर एक दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करें. ठीक है, यहाँ पे सेम स्टेप्स फॉलो करिए आप. ठीक है, पहला स्टेप था एन और सी टर्मिनल मार्क करने का. दिस इज एन टर्मिनल एंड दिस इज सी टर्मिनल. सेकंड स्टेप, इग्नोर द डाइप्रोटिक अमीनो एसिड, प्रोलीन डाइप्रोटिक, प्रोलीन डाइप्रोटिक एंड बाकी जो है वो ट्राइप्रोटिक है. ठीक है, आप क्या करना है? उनके साइड ग्रुप को मार्क करना है. एस्पार्टेट का COOH, इसका COOH, ग्लूटामेट का आर्जिनिन का NH3+, इसका NH3+. ठीक है, देन कंसीडर द पीएच. हियर वी कंसीडर द पीएच 3. कंसीडर द पीएच 3. तो पीएच 3 पे क्या केस बताया था मैंने कि NH3+ होगा और COOH होगा. ठीक है, क्योंकि पीएच 3 पे एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा. ठीक है, तो अब इसकी बात की जाए, ये एन टर्मिनल किसमें कन्वर्ट होगा? NH3+ में होगा. ठीक है, और ये सी टर्मिनल COOH में होगा. COOH ये ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये NH3+ फॉर्म में रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा. ठीक है, तो कितने नेट चार्ज हुए? 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव, यानी कि +3. तो आप देख सकते हो जब पीएच लेस देन 7 है तो नेट चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव. और पीएच ग्रेटर देन 7 है तो नेट चार्ज निगेटिव आ रहा है. तो आप ऐसे स्टेप्स फॉलो करके कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना नेट चार्ज है किसी भी पेप्टाइड सीक्वेंस पे. ठीक है, सो फॉलो दीज स्टेप्स. और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व करिए. अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.